ओके तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 किया था जिसका नाम था लैंडफॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर। ठीक है, यानी कि जब पानी बहता है तो कुछ किस तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, इसमें हमने आई थिंक डेल्टास तक कर लिया था, तो उसके बाद हमने करना था। एक बार फटाफट क्विक रिकैप करते हैं 10-15 मिनट का, उसके बाद आगे कैरी ऑन करते हैं। ओके, जैसे कि पता ही है आपको कि रेन जब बारिश होती है उसका कुछ पार्ट तो होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, इट सिंक्स इनटू द ग्राउंड, और कुछ पार्ट इवेपोरेट होके दोबारा से एटमोसफेयर में चला जाता है। ओके, और बाकी का जो बचता है रेस्ट रन ऑफ एज स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर विच फर्दर फ्लो डाउन टू द सी। ठीक है, कुछ पानी स्ट्रीम्स में चला जाता है, झरनों में चला जाता है, कुछ पानी नदी की सहायक नदियों में चला जाता है, और फिर वो बह के किसे मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, स्नो और ग्लेशियर्स जो उनसे होते हैं वो सिर्फ कोल्ड और टेम्परेट लैटिट्यूड में ही मिलेंगे आपको। ओके, वेव्स जो सी होती हैं वो सिर्फ कोस्ट लाइन पे ही इफेक्टिव होती हैं, कोस्ट पे यानी नदी के तट के पास। जो विंड्स होती है, हवा होती है, वो एफिशिएंट होती है डेजर्ट में। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि रनिंग वाटर का जो इफेक्ट होता है वो पूरे ग्लोब में दिखता है। ठीक है, रनिंग वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ द डेनुडेशन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा जैसे कि दिखाया हुआ है वेव्स एक्ट ओनली एट द कोस्ट लाइन। ठीक है, लेकिन रनिंग वाटर का इफेक्ट जो होता है वो पूरे ग्लोब में। ठीक है, ये टेम्परेट लैटिट्यूड है, आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। ठीक है ना, लैटिट्यूड का अलग से हम चैप्टर करेंगे। तो सोर्स ऑफ द रिवर इज स्प्रिंग लेक मार्श इन अपलैंड रीजन वेयर प्रेसिपिटेशन इज हाईएस्ट। वो कहता है कि रिवर को पानी कहाँ से मिलता है, या तो स्प्रिंग से मिलता है, स्प्रिंग आपको बताया था लास्ट क्लास में धरती में से निकलते हैं, लेक से, या फिर मार्शी एरियाज में, दलदल में से, इन द अपलैंड रीजन। ठीक है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश जो होती है बहुत ज्यादा हैवीएस्ट होती है। ठीक है, अपलैंड इज द कैचमेंट एरियाज ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, ये कैचमेंट एरिया मतलब यहाँ पे बरसात पड़ेगी ऊपर, दिस इज द कैचमेंट एरिया। ओके, अपलैंड इज द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ माउंटेन इज द डिवाइड और वाटर शेड फ्रॉम विच स्ट्रीम्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑन बोथ साइड टू बिगिन देयर जर्नी टू द ओशन। ठीक है, इनिशियल स्ट्रीम दैट एग्जिस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्लोप इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम इज ज्वाइंड बाय द सेवरल ट्रिब्यूटरीज जिसको सहायक नदियां बोलते हैं, इधर ओब्लिकली और एट राइट एंगल्स। ओके, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, जैसे कि ये है मेन रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, साइड से इसको ओब्लिकली ज्वाइन कर रही है कोई रिवर, कोई राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है जिसको सबसिक्वेंट रिवर बोलते हैं, जो साइड से कर रही है उसको ऑब्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, तो इसी तरह से रिवर के कुछ पैटर्न होते हैं। ठीक है, मतलब कि किस तरह की वो शेप बनाती है, बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, मतलब किस शेप में वो ड्रेन कर रही है। पहला आता है डेंड्राइटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक केम फ्रॉम द वर्ड डेंड्रोन, डेंड्रोन मीन्स ट्री, जैसे कि आप देख सकते हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, डेंड्राइटिक और ट्री लाइक ड्रेनेज। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि हर एक ड्रेनेज पैटर्न के साथ आपने एग्जाम्पल लिखना है रिवर का, कि कौन सी रिवर डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। ओके, इट्स योर होमवर्क, ये दिया था लेकिन किसी ने किया नहीं होगा मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है, एक आता है फिर टेलिस्ट ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, इफ रॉक अकर्स एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे कट कर रही है टू द मेन वैली, जैसे कि देख सकते हो आप ये 90 डिग्री पे कट कर रही है। ठीक है, द ट्रिब्यूटरी विल ज्वाइन इट एट राइट एंगल एज सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स एंड इट फॉर्म द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। फर्दर ट्रेलिस का ही फर्दर जो फॉर्म है वो क्या बन जाती है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये कट किस पे करेगी, 90 डिग्री पे कट करेगी। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग एज अ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ओके, उसके बाद आया था सर द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन। ह्यूमिड एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे इरोजन कैसे होती है। वो कहते हैं ह्यूमिड इरोजन कवर्स इंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग इफेक्ट्स ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन वाटर टू दैट ऑफ द रिवर। ठीक है, यहाँ पे मास मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है, जैसे कि हमने लैंडस्लाइड पढ़ा था। ओके, वो क्या है, मास मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड वेदर मटेरियल ऑन हिल स्लोप्स डाउन टू द वैली। किस वजह से होते हैं, ड्यू टू लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है ना, लैंडस्लाइड किस वजह से होगा, अगर तो बहुत तेज बरसात होगी यहाँ तो उसके एक्शन से होगा, लुब्रिकेटिंग एक्शन से होगा पानी के, या फिर ग्रेविटी की वजह से होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन। ओके, स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन अ हिल स्लोप, सॉइल क्रीप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मोर सडन मूवमेंट ड्यू टू लुब्रिकेटिंग इफेक्ट और रेन वाटर इट कॉज्ड लैंडस्लाइड्स। ओके, उसके बाद सर आया हमारा द प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन। ओके, व्हेन रिवर फ्लोज इट कैरीज
इरोडेड मटेरियल, इरोडेड मटेरियल कैरी करती है अपने साथ, ठीक है, जैसे पत्थर, कंकड़ वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। रिवर का जो लोड होता है वो तीन तरह का होता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि पानी के अंदर ही कुछ केमिकल्स होते हैं वो मिले होते हैं, जैसे कि मिनरल्स जो कि डिजोल्व होते हैं मोर देन 50 टन, ठीक है, जो भी मिनरल्स होते हैं पानी में, उस पानी में, ओके, ठीक है। कुछ होते हैं मटेरियल इन सस्पेंशन जो वो रिवर छोड़ देती है, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, मड हो गया, मिट्टी, इट कैरीड अलोंग सस्पेंडेड इन वाटर मोर देन 200 टन, ओके। उसके बाद आता है ट्रैक्शन लोड, ओके, इंक्लूडिंग कोर्सर मटेरियल, बड़े बड़े पत्थर हो गए, बाउल्डर हो गए, पेबल्स हो गए, पत्थर बट्टे जिसको बोलते हैं आप पंजाबी में बोलते होंगे, इट रोल्ड ओवर द रिवर बेड। देखो आपने पहाड़ियों में पिक्चरों में भी देखा होगा, वो दुल्हन दुल्हन कह रहा हूँ, हीरोइन चिल्ला रही होती है और पीछे से वो एकदम से पत्थर आ रहा होता है गोल गोल, वो उसको कह रही होती है अभी हट जा, लेकिन हीरो कहता है कोई नहीं अभी हटेंगे, अभी 5 मिनट में हट रहे हैं, ठीक है ना। तो एकदम से हीरो मरने वाला होता है, एकदम से उसके अंदर ताकत सी आती है, तो फिर वो देखता है पीछे पत्थर आ रहा है तो फिर निकल जाता है। देखी होगी मूवीज में आपने, चलो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने बोला तो समझ आ गया होगा, थोड़ी दिमाग में फिल्म सी घूम गई होगी, है ना। दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन लोड, ओके। तो जब भी कभी बैठे हो तो इस तरह का कोई सीन आए तो बगल में जो भी बैठा हो, आपका छोटा भाई बैठा हो या आपका दोस्त बैठा हो, उसके कान पे थप्पड़ मारना है, उस टाइम बताना उसको बेटे ट्रैक्शन लोड है, ये कोर्सर मटेरियल होता है, इट इंक्लूड पेबल, स्टोन, रॉक्स, बाउल्डर, इस तरह समझाना उसको, ठीक है ना। मतलब आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी और आपके दोस्त का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल, मिसिसिपी रिवर ड्रेन्स ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ यूएस इटसेल्फ एंड इट रिमूव्स मोर देन 2 मिलियन टन ऑफ इरोडेड मटेरियल इनटू गल्फ ऑफ मेक्सिको डेली, ठीक है। मिसिसिपी रिवर जो कि यूएस में है, ओके, वो कह रहा है कि ये यूएस से अराउंड मोर देन 2 मिलियन टन इरोडेड मटीरियल डेली इरोड करके गल्फ ऑफ मेक्सिको में डालती है, ओके। आगे चलते हैं, तो ये समझ आ गया होगा, रिवर लोड तीन तरह का होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और तीसरा ट्रैक्शन लोड, ये तीनों चीजें याद रखें। वो कहता है एबिलिटी ऑफ रिवर टू मूव वेरियस ग्रेड ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन, मतलब कि रिवर किस तरह का मटेरियल इरोड करेगी वो उस पर डिपेंड करता है। एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का वॉल्यूम कितना है, ये थोड़ी कि आप पानी का गिलास लेके ऐसे फेंक रहे हो, बड़ी सी बड़ा सा इतना बड़ा पत्थर है उस पर पानी का गिलास ऐसे दे के मार रहे हो कि सर ने तो बोला था पानी में लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है, ये पत्थर आगे क्यों नहीं जा रहा। बेटे थोड़ा वॉल्यूम भी तो डिपेंड करता है ना, अब बाल्टी दे के मारोगे, बड़ा सा ड्रम दे के तभी हिलेगा ना, ये थोड़ी कि पानी का गिलास लेके लगे हो, अरे सर ने बोला था लुब्रिकेटिंग एक्शन वाटर है, ये हिल क्यों नहीं रहा, पानी क्यों नहीं हिल रहा, ठीक है ना। तो बेटे ऐसे बेवकूफियां नहीं करनी है आपने, ठीक है ना, कहीं वो पिचकारी में भर के ऐसे मार रहे हो ऐसे पत्थर में कि देखें जरा आगे जाता है कि नहीं, इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करनी, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है ना, अगर बड़ी सी बाल्टी लेके जोर की मारोगे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड चीज क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, समझ रहे हो मेरी बात, ये नहीं हल्का सा मुंह में पानी भर के ऐसे पिचकारी निकाल रहे हो मुंह से, ठीक है, वो हरकतें नहीं करनी बेटे। अब बगल वाले भी कहेंगे ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी, और तीसरा क्या है सर, साइज और शेप ऑफ लोड भी डिपेंड करता है। अब इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, आप लगे हो, इतनी बाल्टी भी ले ली आपने, वेलोसिटी भी आपने लगा दी है, लेकिन साइज तो देखो ना यार उसका, ठीक है ना। तो तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और तीसरा साइज और शेप और वेट ऑफ द लोड, ओके। आई होप यू गॉट दैट थिंग। मोर वाटर मोर स्नो, ये पता नहीं कहां से लॉजिक लगा लेते हैं, मोर वाटर मोर स्नो, ऐसा कुछ नहीं है, हर तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, और साइज और शेप भी डिपेंड करता है, ओके, लोड का कैसे है, ठीक है ना। घर में बैठ के इस तरह की कलाकारियां मत करने लग जाना, लुब्रिकेटिंग एक्शन और वाटर टेस्ट कर रहे हो, ओके। उसके बाद सर रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो कहते हैं कि रिवर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, इट फॉलोइंग द इंटरएक्टिंग प्रोसेस, ठीक है ना। पहले इरोजन होती है और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है ना। पहली आती है सर कोरिजन और एब्रेशन, यानी कि मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट बैंक्स एंड बेड्स ऑफ द रिवर, मतलब जब बाउल्डर वो आ रहे हैं वो आपस में ही रगड़ खा खा के उसकी क्या हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, मैकेनिकल ग्राइंडिंग हो रही है। जैसे ये सपोज वो है सरफेस है, ऊपर से बाउल्डर आ रहे हैं, ये रगड़ी जा रहा है यहाँ पे, मतलब नीचे नीचे जैसे गोल गोल घूमते हैं ना, तो रगड़ खा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द रिवर ट्रैक्शन लोड, जो कि मैंने आपको बताया पेबल्स, बाउल्डर्स,
कोर्सर मटेरियल स्टोन्स ओके अगेंस्ट बैंक्स एंड बेड ऑफ द रिवर एंड रिवर फ्रेगमेंट्स अगेंस्ट हर्ल्ड अगेंस्ट साइड्स एंड ऑल्सो अलोंग द बॉटम ऑफ द रिवर. तो वो जो फ्रेगमेंट है वो एक तो साइड में भी रॉक के जो फ्रेगमेंट है वो साइड में भी घूमेंगे और बॉटम में भी जाएंगे. ठीक है, जब साइडवेज इरोजन करेंगे उसको लेटरल इरोजन करेंगे, लेटरल इरोजन बोलेंगे जो कि वाइड करेगी हमारी वी शेप वैली, और जो वर्टिकल कोरिजन में क्या होगा डाउनवर्ड एक्शन, दैट इज इट डीपन्स द रिवर चैनल. जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा देते हैं, ये होगी सर आपकी लेटरल इरोजन, लेटरल लेट गियर लेटरल. ठीक है, इट वाइडन्स द रिवर चैनल. और ये है वर्टिकल इरोजन, इट डीपन्स द रिवर चैनल. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, कोरिजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैकेनिकल ग्राइंडिंग है. ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ये समझ में आया लेटरल कोरिजन वर्टिकल कोरिजन, लास्ट क्लास में बताया था. वैसे तो ना समझ आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये भी डायग्राम बनाया हुआ जस्ट आपको और अच्छी तरह समझ आए. लेटरल लेटरल केम फ्रॉम द वर्ड लेट, लेट गया. ठीक है, नॉट फ्रॉम द हिंदी वर्ड, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर दिस थिंग. लेटरल इरोजन और ये होगी सर वर्टिकल इरोजन. ओके, और जब कोरिजन वर्ड इसके साथ जुड़ जाता है, कोरिजन वर्ड मीन्स मैकेनिकल ग्राइंडिंग. ओके, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ ट्रैक्शन लोड. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द ट्रैक्शन लोड. ओके, अगर लेटरल के साथ जुड़ गया तो साइडवेज इरोजन, अगर वर्टिकल वर्ड के साथ जुड़ गया कोरिजन तो मीन्स डाउनवर्ड. ओके, इट डीपन्स द रिवर चैनल, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. उसके बाद आती सर कोरोजन, कोरोजन और जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, नाम से पता है ना सॉल्यूशन, इट मींस कि कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाली है. ठीक है, यानी कि जैसे सपोज ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया, जैसे आपने भी देखा होगा कि सपोज कोई लोहा है उसकी ऊपर अगर मतलब पेंट वेंट नहीं हुआ पड़ा, तो वहां पे अगर बारिश हो रही है काफी समय से, तो उसकी क्या हो जाएगी सर, रस्टिंग हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हो आप, ऑक्सीडेशन हो जाएगी जैसे कि देख सकते हो आप. केमिकल और सोलवेंट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल और पार्शियली सोल्यूबल रॉक, जैसे कि एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन इजिली डिजोल्व एंड रिमूव्ड इन सोल्यूशन. वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइम स्टोन में, वो जल्दी से डिजोल्व हो जाता है, यानी कि उस पर रिवर एक्शन जल्दी से होता है. ओके, रेन वाटर एक्शन कह सकते हो, रनिंग वाटर एक्शन सॉरी. कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन इजिली डिजोल्व एंड रिमूव्ड इन सोल्यूशन. ओके, उसके बाद था हाइड्रोलिक एक्शन. हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ द मटेरियल बाय द रिवर वाटर इटसेल्फ. पहले तो लूजनिंग होगी, आपस में रगड़ खाएंगे, लूजनिंग होगी, देन स्वीपिंग अवे ऑफ मटेरियल बाय द रिवर वाटर इटसेल्फ, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक एक्शन. उसके बाद आती है सर एट्रीशन. एट्रीशन बोले तो वियर एंड टीयर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल देमसेल्फ व्हेन दे रोल एंड कोलाइड इनटू वन अनदर. ठीक है ना, मतलब पत्थर है आपस में कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी रगड़ हो रही है, ठीक है, जिससे क्या हो गया वो रोल होके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे. एग्जाम्पल कोर्सर बाउल्डर ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्टोन्स एंड एंगुलर एजेस स्मूथ एंड राउंडेड टू फॉर्म द पेबल्स. ठीक है ना, वेरी सिंपल डेफिनेशन. एट्रिशन मींस वियर एंड टियर ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल देमसेल्फ व्हेन दे रोल एंड कोलाइड इनटू वन अनदर. ओके, उसके बाद हमने पढ़े थे कोर्स ऑफ द रिवर. तीन कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स. ठीक है ना, अपर कोर्स नाम से क्लियर है कि ऊपर से आएगी नदी, उसको अपर कोर्स कहेंगे. उसमें कौन से लैंडफॉर्म पैटर्न बनते हैं वो देखना हमने. ठीक है ना, इसको यूथ स्टेज बोलते हैं, ये मैच्योरिटी स्टेज होती है, और ये लोअर कोर्स ये आपकी ओल्ड स्टेज होती है. जिससे रिमेंबर दिस थिंग, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी तरह की एज होती है, आपसे ये पूछेगा कि यूथ स्टेज में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, या अपर कोर्स में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, या ओल्ड स्टेज में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं. ओके, तो इस तरह से याद रखना है आपने. तो अपर माउंटेन कोर्स जो कि शुरू होता है बिगिंस एट द सोर्स ऑफ द रिवर. सोर्स माने यानी कि रिवर का जहां से उद्गम स्थल है, जहां से रिवर निकल रही है. ठीक है, नियर वाटरशेड दैट इज द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज. फीचर्स क्या है इसके, वर्टिकल कोरिजन, वर्टिकल 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 ऐसे होगी वर्टिकल कोरिजन. ओके, और लेटरल कैसे होगी, ऐसे. ओके, ये चीज ध्यान रखनी है. ओके, वर्टिकल कोरिजन वो कहता है रिवर इज वेरी स्विफ्ट, इट डिसेंड स्टीप्स स्लोप्स एंड प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ द वाटर. ठीक है ना, वो कहता है रिवर बहुत ही तेजी से जाती है, इट डिसेंड्स द स्टीप स्लोप, वो स्लोप एकदम से झुका देगी, एंड प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ द वाटर, और पानी का
जो उसका बहाव है, जो एक्शन करना है उसने, मतलब नीचे की तरफ जो इरोजन करनी है वो जल्दी से कर देगी, ठीक है ना। तो बोलते हैं वर्टिकल कोरिजन। इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आपको पता भी हमने पीछे पढ़ा। जॉर्जीज होते हैं डीप नैरो वैली, ठीक है। वो कहता है रॉक इज वेरी रेजिस्टेंट एंड वैली इज नैरो एंड साइड्स आर सो स्टीप दैट जॉर्जीज आर फॉर्म्ड, एग्जांपल इंडस जॉर्जियन कश्मीर। जॉर्जीज आपको दिखा देते हैं, डीप नैरो वैली ये होते हैं सर जॉर्जीज। डायग्राम दिखाते हैं ज्यादा क्लियर होगा, ये देखे होंगे आपने, इसको जॉर्ज बोलते हैं, ठीक है ना। रिवर का एक्शन हुआ, यहाँ पे एक्शन हुआ, ये इरोड होती होती ये इस तरह से वो हो गया, एक चौड़ी सी बन गई है, मतलब सड़क टाइप सी बन गई है, नदी की एक सड़क बन गई है, ठीक है ना। रॉक्स आर वेरी रेजिस्टेंट, वैली इज नैरो एंड साइड्स आर सो स्टीप दैट जॉर्जेस आर फॉर्म्ड, एग्जांपल इंडस जॉर्जियन कश्मीर। एक होते हैं कैनियन, ये कहाँ पे होते हैं, एरिड रीजन में, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होते हैं हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। इट वाइडन्स द वैली साइड्स एंड रिवर कट्स डीप इनटू द वैली फ्लोर व्हिच लेड टू प्रेसिपिटस वैली एंड कॉल्ड कैनियंस, ठीक है। इससे थोड़े से बड़े होते हैं जॉर्जेस, इससे बड़े होते हैं, और सॉरी कैनियन इससे बड़े होते हैं जॉर्ज से। ये ग्रैंड कैनियन आपका ये देखो सर, ठीक है, ये है सर आपका कैनियन। अब जॉर्ज और कैनियन में क्या फर्क होता है सर, जॉर्ज इज स्मॉलर देन कैनियन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल्दो बोथ वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द डीप नैरो वैली, ठीक है, विद अ स्ट्रीम और रिवर रनिंग अलोंग देयर बॉटम। जैसे कि देख सकते हो आप जॉर्ज और कैनियन, ठीक है। अपर माउंटेन गोट्स में होती है एक आपकी रिवर कैप्चर, और जिसको पायरेसी भी बोलते हैं, रिवर पायरेसी और रिवर बी हेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो रिवर्स बनी है, एक ए है ये बी है, ये इन दोनों रिवर के बीच में डिवाइड है, और जिसको यहाँ फिर वाटर शेड बोल सकते हो। अब होता क्या है सर, ये जो इसकी ये वाली आम है, ये वाली आम है, ये थोड़े टाइम बाद इसके साथ मर्ज हो जाएगी। जैसे ये रिवर आगे रोड होके इस तरफ से होगी ना, तो ये चीज इसके साथ मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये नई एल्बो जुड़ चुकी है इसके साथ, ओके। ये है बिफोर कैप्चर और ये है सर आफ्टर कैप्चर। अब इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं, रिवर कैप्चर होता क्या है, डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय अनदर रिवर, मतलब कि उसके कोर्स यानी जो उसका रास्ता है उसको डाइवर्ट कर दिया किसने, दूसरी रिवर ने। Diversion of the part of the course of a river by another river. River which captures the course of another river is known as capturing river. यानि कि इस केस में capturing river कौन सी है? A है या B है? Capturing river कौन सी है? कोई बताएगा? Capturing river कौन सी है? ये A है या B है? अरे A है यार, कमाल कर दिया यार, गधे हो तुम तो यार। कैप्चर किसने किया? ए ने कैप्चर किया ना, हद है यार तुम्हारी तो, कते बेवकूफ हो। डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय अनदर रिवर, रिवर व्हिच कैप्चर द कोर्स ऑफ अनदर रिवर इज नोन एज कैप्चरिंग रिवर। इट्स डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग इज नोन एज हेडवर्ड इरोजन, ओके। जैसा कि देख सकते हो आप पिक्चर में, ये कौन सी है, पायरेटिंग स्ट्रीम या फिर कैप्चरिंग रिवर बोल सकते हैं किसको, ए को, ओके। उसके बाद आते हैं सर आपके रैपिड्स, कैटरैक्ट्स और वाटरफॉल्स। रैपिड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने, आपको मैंने बताया था कि आप लोग क्या बोलते हैं रिवर शाफ्टिंग करने जाते हो, तो इस तरह से पानी में ऊपर नीचे होते हो ना, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स होती है नीचे। डायग्राम में दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो सर, ये आपने की होगी शायद, किसी बच्चे ने नहीं की होगी तो मूवीज में तो देखा ही होगा, वो ऐसे ऐसे होता है, किस वजह से होता है ऊपर नीचे, किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, ओके। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, इट अकर एट एनी पार्ट ऑफ रिवर कोर्स। वो कहता है कि किसी भी रिवर कोर्स के, रिवर राफ्टिंग, ओके, ये किसी भी रिवर कोर्स के किसी भी पार्ट में हो सकता है। मोस्ट न्यूमरस इन द माउंटेन कोर्स,
वी शेप वैली अपर में, हाँ अपर में क्रिएट होगी और मिडल में क्रिएट होगी। हाँ अपर में भी, मिडल में यू शेप होगी, मिडल में यू शेप होगी, अपर में वी शेप होगी, मिडल में यू यू बन जाएगा उसका, वी का यू बन जाएगा। ओके जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। तो कहता है कि मोस्ट न्यूमरस इन द माउंटेन कोर्स ड्यू टू अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, यानी हार्ड रॉक्स होंगे नीचे कहीं किसी जगह और किसी जगह सॉफ्ट रॉक्स होंगे। इट ट्रेवर्स्ड बाय अ रिवर द आउटक्रॉप ऑफ ए बैंड ऑफ हार्ड रॉक मे कॉज रिवर टू जंप और फॉल डाउन स्ट्रीम विच लेड टू रैपिड्स आर फॉर्म। ठीक है, एंड सिमिलर फॉल्स, और इसी तरह के फॉल्स हो रहे हैं ऊपर नीचे जैसे हो रहे हैं, ठीक है, वो भी ग्रेटर डायमेंशन के, उसको क्या बोलेंगे सर, कैटरैक्ट्स, ये याद रखेंगे सर, क्या बोलेंगे, कैटरैक्ट। ठीक है, एंड व्हेन रिवर प्लंज डाउन इन अ सडन फॉल, और एकदम से ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसको क्या बोलेंगे सर, वाटरफॉल्स। ये देखते हैं डायग्राम, ये रैपिड है, सॉफ्ट और हार्ड रॉक का बैंड बना हुआ है, बैंड ऑफ हार्ड रॉक और ये सॉफ्टर रॉक, ये रेड क्या है हार्ड रॉक और ये ब्लैक क्या है सॉफ्टर रॉक, ठीक है ना, यही ग्रेटर डायमेंशन के हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैटरैक्ट्स, याद रखना है नाम। और ये है सर वाटरफॉल, इसे भी देख सकते हो आप पिक्चर में, ये धीरे धीरे ये चीज की इरोजन होगी और ये चीज छोटी होती जा रही है, जैसे कि देख लो यहाँ बड़ी थी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी और यहाँ सबसे कम होगी। ओके फॉर्मेशन ऑफ ए वाटरफॉल, जैसे कि देख सकते हो ऊपर कौन सी रॉक होनी चाहिए, हार्ड रॉक होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो उसके ऊपर रिवर वो रहेगी, स्टेबल रहेगी, तभी तो पानी गिरेगा, अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके उसके बाद आती है सर, देखो वो पूछ रहा था अभी, करण पूछ रहे थे आपकी वी शेप वैली, वी शेप वैली बनेगी उसमें आपकी अपर कोर्स में, मिडल कोर्स में बनेगी आपकी यू शेप वैली, जैसे लिखा हुआ ना, एक्टिव इरोजन ऑफ इट वाइडन्स द वी शेप, जब वी शेप वाइड हो जाएगी, जब ये वी है जैसे हमारा, ये वाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वी का क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ओके रिमेंबर दिस थिंग, लेटरल कोरेजन की जगह क्या हो जाएगी, वर्टिकल कोरेजन, वर्टिकल बोले तो डाउनवर्ड कटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्टिव इरोजन ऑफ बैंक्स इट वाइडन्स द वी शेप वैली, ठीक है, रिवर्स वोल्केनो, सॉरी रिवर्स वॉल्यूम इंक्रीज विच लेड टू रिवर्स लोड आल्सो इंक्रीज। ओके देयरफॉर वर्क ऑफ रिवर इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसपोर्टेशन विद सम डिपोजिशन। ओके दूसरे आते हैं सर इंटरलॉकिंग स्पर्स, मिडिल कोर्स में इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं, वेयर रिवर मीएंडर्स फ्रॉम साइड टू साइड, स्पर फॉर्म फर्स्ट ऑन वन साइड ऑफ द वैली एंड देन द अदर, सो दे अल्टरनेटली, सॉरी सो दे अल्टरनेट फ्रॉम बैंक टू बैंक, इफ यू लुक अलोंग द वैली स्पर्स सीम टू ज्वाइन टूगेदर एंड इट फॉर्म अ इंटरलॉक, जैसे कि आपको दिखाते हैं, अब ये रिवर आ रही है इस तरह से मीएंडर होती हुई, ठीक है ना, वो कहते हैं कि ये इस तरह से प्रतीत होती है दूर से कि ये क्या बना रही है, इंटरलॉक बना रही है, जैसे कि आपको असली डायग्राम दिखाते हैं, इस तरह की आपने देखी होंगी मूवीज में या फिर असली में भी देखी होंगी इस तरह से, तो इस तरह से जो लॉक लगा हुआ है ये ऐसे सीम होता है कि जैसे सपोज कुछ ब्लॉक्ड है, ठीक है, हालांकि ब्लॉक नहीं है, यहाँ से रिवर इस तरह से मियांडर हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरलॉकिंग स्पर्स। ओके उसके बाद आते हैं मियांडर्स, जिसके बारे में आपको दो बार अभी बता चुके हैं लेक्चर जब शुरू हुआ था, वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी इट सेल्डम फ्लो स्ट्रेट, ठीक है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विच लेड टू अ वाइंडिंग कोर्स सून डेवलप। ओके irregularities of the ground which led to force the river to swing in loops which forming the meanders, वही लहरा के बल खा के। ओके रिवर क्लिफ क्या होते हैं, स्लिप ऑफ स्लोप्स क्या होते हैं, when flow of water enters the bend of the river which led to further eroding the outer bank into a steep river cliff, ठीक है सर, ये रहा मीएंडर का डायग्राम। उसके बाद होता है लोअर कोर्स और प्लेन कोर्स, ठीक है, रिवर मूविंग डाउनस्ट्रीम विद डेब्रिस, अपने डेबरी डेबरी रखेगी, बाउल्डर्स वगैरह, पत्थर वगैरह, मड वगैरह, ठीक है, विच ब्रॉट डाउन फ्रॉम द अपर कोर्स, जो कि अपर कोर्स से लेके आएगी, एंड लेटरल कोरिजन इज स्टिल गोज ऑन, लेटरल कोरिजन जो कि ऐसे होती है लेट के, यानी साइडवेज इरोजन हो रही है, एंड वर्क ऑफ द रिवर इज मेनली डिपोजिशन, जनरली
जो लोअर कोर्स होता है आपका प्लेन कोर्स होता है उसमें डिपोजिशन होती है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, जैसे अपर कोर्स होता है, मिडल कोर्स होता है और क्या होता है आपके लोअर कोर्स होता है। तो इसमें होएगा कैसे प्रोसेस, अपर कोर्स में होती है मेनली कह रहा हूँ इरोजन होती है, मिडल कोर्स में आपकी मेनली क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन, और लोअर कोर्स में आपकी क्या होती है डिपोजिशन। ये याद रखना है सर आपने हर हालत में, UML और ETD। ओके यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। सो गए सब? अच्छा मैं क्या सो तो नहीं गए? अच्छा, फिर ठीक है। बाप रे, शादी कर लो ना भाई, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है सीरियसली। 3 किलो वजन कम हो गया मेरा। ना ढंग से सोना, ना ढंग से खाना। क्या करो, शादी कर लो आप तो ऑलरेडी मैरिड हो गए। क्या बोल रहे हो देवी जी, बांग बांग पी रखी है क्या? पढ़ लो यार, पढ़ लो, तुम्हारे को बात समझ आती है। क्या क्या कर क्या खा लिया आपने? क्या शादी कर लो, हो चुकी है मेरी शादी। अरे यार इसकी बैटरी डाउन हो गई, 1 सेकेंड चार्जर लगा रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ नहीं समझ आया, सही में स्त्री को कोई नहीं समझ पाया। अच्छा वो कह रही है फिर से कर लो। अच्छा कोई नहीं, कोई हो लड़की बताना, कोई दोबारा करना चाहती हो तो मेरी बीवी ने कत्ल कर देना उसका। भाई ऐसा है क्यों, तुम घर वर तुड़वाने में लगे हो सारे है? मैं तुम्हारे को वैसे शादी के बाद कर रहा हूँ, तुम लगे हो फिर शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो है? अच्छा ना बोलिया भाई, सिस्टर की शादी कहाँ सर जी? अरे मेरी सिस्टर की शादी थी बेटा, तो वो बता रहा था कि मैं शादी में थक गया हूँ, वेट वेट लूज हो गया, ये बता रहा था। हाँ मैं उसकी शादी की बात करूँ, तू मेरी शादी करवाई यार। ज्योति का दीदी आप दवाई दवाई लो, आप ठंडी वंडी लग गया आपको? हाँ आज खाऊंगा यार चिकन, आज 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 वेडनेसडे है, सर्दी में वेट नहीं कम होता भाई, गर्मियों में वेट कम होता है, सर्दियों में गेन होता है।
चलो आ जाओ यार इधर, बकैती करने शुरू हो जाते, बस ये होता है वो होता है, लगे वहां पे डॉक्टर बने बने। एक हमने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, शादियां करा रही है, कोई वेट लूज कह रहा है, हो गया है, इधर आ जाओ इधर प्लीज, कम टू द टॉपिक यार। हाँ, फ्लड प्लेन की बात हो रही है सर। वो कहता है रिवर इन लोअर कोर्स, लोअर कोर्स में मतलब जब नीचे की तरफ आती है, तीन कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। मैंने आपको बताया पहले वाले कोर्स में, पहले वाले रास्ते में इरोजन होती है, देन ट्रांसपोर्टेशन होती है, लास्ट वाले में डिपोजिशन होती है। ओके, रिवर इन लोअर कोर्स कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट, ठीक है, काफी सारे सेडिमेंट्स होते हैं, पत्थर वगैरह, बॉर्डर वगैरह, मड वगैरह, एंड ड्यूरिंग एनुअल फ्लड्स दीज मटीरियल स्प्रेड ओवर लो लाइंग एडजेसेंट एरियाज। ओके, एंड लेयर ऑफ सेडिमेंट डिपोजिटेड ड्यूरिंग ईच फ्लड विच ग्रेजुअली बिल्डिंग द फर्टाइल फ्लड प्लेन। जैसे कि आपने सुना होगा गंगा प्लेन्स, ठीक है ना, भाभा तेराई बांगर खादर, ये सुने ही हैं आपके, ये फ्लड प्लेन ही है। ओके, तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट डिपोजिटेड ड्यूरिंग ईच फ्लड विच ग्रेजुअली बिल्डिंग द फर्टाइल फ्लड प्लेन, ठीक है ना। एक होती है लिविस, लिविस क्या होती है, नेचुरल बैंक, जैसे कि नदी है ये, इसके आसपास ये एक इस तरह से बैंक बना दिया गया, ठीक है। बैंक वो वाला बैंक है ना जिसमें पैसे जमा कराते हो, ये बैंक तो समझ ही होंगे, तट तट जिसको बोलेंगे, ठीक है। देन रिवर फ्लो नॉर्मली इट्स बेड इज रेस्ड, ठीक है, थ्रू अक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट। काफी सारे जब रिवर अपने हर डिपॉजिट वगैरह लेके आती है, जो मटेरियल वगैरह लेके आती है, इट ड्रॉप्ड ऑन द साइड्स एंड इट फॉर्मिंग द रेस्ड बैंक, जिसको लेवीज बोलते हैं, लेवीज। ये आप ना डायग्राम याद रखना बस दिमाग में, आपको इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। व्हेन रिवर फ्लो नॉर्मली इट्स बेड इज रेस्ड थ्रू अक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट एंड मटीरियल इज ऑल्सो ड्रॉप्ड ऑन द साइड विच फॉर्मिंग द रेस्ड बैंक नोन एज लेवीज। ओके, फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि देख सकते हो, ड्यूरिंग फ्लड द वाटर स्लोड एट बैंक्स एंड सिल्ट्स आर डिपोजिटेड। जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा, इवन की बीच वगैरह पे भी देखा होगा, जब एकदम से नदी आती है वो काफी सारी मिट्टी सी लेके आती है, तो साइड में डिपोजिट हो जाती है और फिर वापिस चली जाती है ना, तो साइड में एक इस तरह का वो बन जाता है बैंक साइड। ओके, उसके बाद हाँ ये देखे हैं इन्होंने, यस बीच वाले सारी पता है इनको चीजें हैं, इस तरह से वहां हीरो होता है। अच्छा फिर ये देखो, फिर दोबारा से नदी आई, फिर यहाँ पे, फिर दोबारा से यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ओके, उसके बाद फिर कुछ थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नीचे भी डिपॉजिट हो रही है, नीचे भी डिपोजिशन हो रही है, और जब नीचे डिपोजिशन होने की वजह से जो रिवर का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है, जैसे कि देख सकते हो आप, न्यू रिवर लेवल हो गया, ठीक है। विद ईच फ्लड The levees are built up between floods. The river bed is built up too. ठीक है ना, river bed भी built up हो रहा है और levees भी built up हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि flood जैसे ही आते हैं तो नीचे भी तो deposit होंगे ना, पत्थर कंकड़ वगैरह साइड में तो हो ही रहे हैं और नीचे भी हो रहे हैं, जिस वजह से नीचे होने की वजह से रिवर लेवल अप होता जा रहा है और ऊपर होने की वजह से यहाँ पे डिपोजिशन हो जा रही है, जिस वजह से ये levees बन रहा है। ओके, मोहम्मद सिंह टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लड, वो कहता है कि फ्लड्स का रिस्क कम करने के लिए आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट इज ऑल्सो इरेक्टेड ऑन द नेचुरल लिविस, बट दिस अलाउज रिवर टू राइज फर्दर। वो कहता है अगर आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट हम लगा देते हैं, जैसे सपोज इस तरह से लिविस लगा हुआ, अगर इसके ऊपर भी हम कुछ आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इट अलाउज द रिवर टू राइज फर्दर, इससे रिवर और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, उसके बाद आता है सर ऑक्सबो लेक, जो कि हम बता चुके हैं पहले भी, लोअर कोर्स में मेंटर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। द आउटसाइड बेंड सो रैपिडली इरोडेड व्हिच लेड टू द रिवर बिकम्स अ कंप्लीट सर्कल व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, एंड लेटर ऑक्सबो लेक इज डीजनरेट इनटू स्वैम्प थ्रू सब्सिक्वेंट फ्लड्स एंड ऑक्सबो लेक बिकम्स मार्शी एंड इवेंचुअली ड्राइज अप, यानी कि लदर बन जाती है और कुछ समय बाद वो ड्राई अप हो जाता है, जैसे कि ये मेंटर देख सकते हो और ये सर्कल बन गया और ये एरिया क्या बन जाएगा, मार्शी, मार्शी दलदली एरिया। ओके, और कुछ समय बाद ये ड्राई अप हो जाएगा। ओके, दिस इज द ऑक्सबो लेक, ये रहेगा हमारा डेल्टा। डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन रिवर रीचेस द सी, रिवर आपको पता है लास्ट में कहां पे ड्रेन होती है,
समुद्र में ड्रेन होती है, गंगा रिवर को कहाँ ड्रेन होती है, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में? जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ओके ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि व्हेन रिवर रीचेस द सी फाइन मटेरियल व्हिच हैज नॉट येट ड्रॉप आर डिपॉजिटेड एट इट्स माउथ, वो रिवर के माउथ पे डिपॉजिटेड हो जाते हैं व्हिच लेड टू द फॉर्मिंग फैन शेप्ड अलूवियल एरिया। वो क्या बन जाता है, फैन शेप्ड अलूवियल एरिया, जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है ना, डेल्टा की अलग अलग तरह की शेप होती है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। दिस अलूवियल ट्रैक्ट इज अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ फ्लड प्लेन। वो कहता है कि ये जो अलूवियल ट्रैक्ट है, ठीक है, यानी कि ट्रैक्ट बोले तो उसमें बाउल्डर्स वगैरह, ट्रैक्शन लोड बताया था ना अभी आपको, भूल तो नहीं गए। वगैरह ये जो अलूवियल ट्रैक्ट है ये सीवर्ड एक्सटेंशन है इसकी फ्लड प्लेन की, एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द डिपॉजिटेड अलूवियम रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर थ्रू सेवरल चैनल नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। वो कहता है कि रिवर क्या करता है, अपना जो कुछ लोड होता है वो दूसरे चैनल, यानी इसके आगे फर्दर रिवर्स होते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, जो यानी कि जो उसका पानी फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो होगी ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां तो ये आ रही हैं, ये जो इसको इसका लोड बढ़ा रही हैं। ठीक है, एक आगे डिस्ट्रीब्यूटरी, आगे फर्दर जो इसका वाटर आगे फ्लो करेंगे। ओके, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द डिपॉजिटेड एलुवियम रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर थ्रू सेवरल चैनल्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी। सम डेल्टाज आर एक्सट्रीमली लार्ज, जैसे कि गैंगिस डेल्टा विच इज बिग एज होल ऑफ वेस्ट मलेशिया। ओके, डेल्टाज आर डिफरेंट इन साइज, अलग अलग तरह के डेल्टाज होते हैं। ठीक है, अलग अलग उनकी शेप होती है, उनकी ग्रोथ अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यानी कंकड़ पत्थर वगैरह किस हिसाब से किस गति से आ रहे हैं, दूसरा डेप्थ ऑफ रिवर एंड सी बेड। ठीक है, रिवर की डेप्थ कितनी है, सी बेड की डेप्थ कितनी है, और करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइड्स करंट्स एंड वेव, और वहां पे टाइड्स वगैरह करंट्स वगैरह और वेव्स कैसे आ रहे हैं। ओके, डेल्टास की एग्जांपल लिखे हुए, मिसिसिपी डेल्टा, बर्ड्स मिसिसिपी डेल्टा जो कि मैंने आपको बताया यूएस में, इसकी जो शेप है ये बर्ड फुट, जैसे कि पक्षी का पंजा होता है, काइंड ऑफ जस्ट आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ये बर्ड्स फुट डेल्टा, ये पक्षी का पैर लग रहा है आपको। ओके, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये मिसिसिपी रिवर जो कि अभी बताया था ना कि मोर देन 2 मिलियन टन ऑफ वेस्ट ड्रेन करती है हर रोज, कहाँ पे, गल्फ ऑफ मेक्सिको में। तो मिसिसिपी रिवर जिसकी शेप क्या है, सॉरी मिसिसिपी डेल्टा जिसकी शेप क्या है, बर्ड्स फुट डेल्टा जैसी, विद सेवरल ब्रांचेस लाइक फुट ऑफ ए बर्ड विच एक्सटेंडेड इन टू अ गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, उसके बाद दूसरा है सर गैंगिस और नाइल और मेकोंग। ठीक है ना, इट्स अ फैन शेप्ड आर्कुएट डेल्टा विद न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, फैन शेप्ड है। तीसरा है सर अमेजोन ऑब और विस्तुला, दे डेल्टा पार्शियली सबमर्ज इन कोस्टल वाटर्स टू फॉर्म ईस्चुरीन डेल्टा। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपने ये वाली रिवर्स का लिखना है कि कौन से रिवर कौन से कंट्री में है। ओके, श्योर होमवर्क। और एक दूसरा होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको, ड्रेनेज पैटर्न वाला। ओके, ये कुछ डेल्टास की शेप दी हुई है, आर्कुएट डेल्टा, कस्पे डेल्टा, बर्ड्स फुट डेल्टा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। डेल्टा समझ में आया सभी को, पहले ये बताओ, ये डेल्टा समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछ लो। डेल्टास अगर नहीं समझ में आया, आर्गुएट का मतलब होता है घुमावदार। डेल्टा समझ में आया, डेल्टा ये रिवर है, रिवर चल रही है, रिवर ड्रेन होने से पहले ना, जैसे सपोज मैंने गंगा का एग्जांपल लिया, गंगा जब ड्रेन होने वाली है, ये समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ड्रेन होने से पहले यहाँ पे जब मतलब समुद्र में जब गिरने वाली है, यहाँ पे सारा लोड ही गेर देगी अपना, जो भी कंकड़ पत्थर लेके आएगी ना गिरने से पहले, यानी समुद्र में गिरने से पहले कुछ कंकड़ पत्थर यहाँ पे गेर देगी, और यहाँ पे जो ये बन जाएगा ना, जिस भी शेप का बनेगा उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है शेप कैसी बनेगी। ठीक है, तो वो कहता है कि ये चीज है डेल्टा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है
डेल्टास की फॉर्मेशन के लिए, पहले एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन। एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन क्या होती है, अपर कोर्स में टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव सेडिमेंट। वो कहता है कि एक तो इरोजन होनी चाहिए भैया, वर्टिकल भी लेटरल भी अपर कोर्स में, क्योंकि ये जो डेल्टा बनेगा ये कहाँ पे बन रहा है, अपर कोर्स में, लोअर कोर्स में या मिडिल कोर्स में? जाहिर सी बात है लोअर कोर्स में बनेगा ना, सबसे नीचे आके बनेगा, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ऊपर के कोर्स में वर्टिकल और लेटरल इरोजन होनी चाहिए, अगर ऊपर इरोजन होगी तभी तो उसके पास सेडिमेंट्स होंगे, तभी तो कंकड़ पत्थर आएंगे जो यहाँ पे बिछेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन इन द अपर कोर्स टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव सेडिमेंट्स टू बी इवेंचुअली डिपॉजिटेड एज डेल्टा, ठीक है। दूसरी क्या चीज है, कोस्ट शुड बी टाइडलेस, यानी कि जो आपका तट है, कोस्ट है, वहां पे टाइड्स वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइड्स वगैरह आएंगी ना तो ये सारा वॉश आउट हो जाएगा, ये जो भी है ये सारा मटेरियल सेडिमेंट्स वगैरह ये सारे वॉश आउट हो जाएंगे। तीसरा है सर, सी एडजॉइनिंग डेल्टा शुड बी शैलो और एल्स लोड विल डिसअपीयर इन द डीप वाटर। वो कहते हैं जो सी, जैसे कि यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ये शैलो होना चाहिए, मतलब ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या होगा कि सारा का सारा लोड क्या होगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा पानी के अंदर जो ये इकट्ठा करके ले जाएगी, ठीक है। जो भी सी एडजॉइन कर रहा है इसको, यहाँ पे डेल्टा बनना है, देर शुड बी नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट्स। वो कहते हैं जैसे सपोज करो ऊपर से रिवर आ रही है, रस्ते में वगैरह कोई लेक नहीं होना चाहिए, अगर इनकेस अगर कोई लेक होता है तो सारे सेडिमेंट तो उसमें रह जाएंगे, तो रिवर क्या लेके आएगी अपने साथ, जाहिर सी बात है ना, सारा सेडिमेंट तो अगर सपोज रस्ते में कोई लेक आ गया वहीं पे फिल्टर ऑफ हो जाएंगे ना सारे सेडिमेंट्स, तो वहीं वो कह रहे हैं देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट। द लास्ट थिंग इज देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट। करंट्स क्या होते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कोल्ड करंट वार्म करंट होते हैं, दो तरह के करंट होते हैं, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, कुछ करंट नाम की चीज होती है, पानी के अंदर भी करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, वार्म करंट होता है, ठीक है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट एट रनिंग एट राइट एंगल्स टू द रिवर माउथ विच वॉशिंग अवे द सेडिमेंट, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। इसी को ही हमने, ये देखो जैसे मैं ना ये चीज जो अगली स्लाइड है वो मैंने इसलिए डाली, अभी सारे बच्चे ना आंखें नाक कान मुंह खोल के ना अपने बैठ जाए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से बड़े नोट्स को हम छोटा कंप्रेस करके लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी हुई, एक्टिव वर्टिकल लेटर इरोजन इज अ पर कोर्स टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव सेडिमेंट टू बी इवेंचुअली डिपॉजिटेड एज डेल्टा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए डेल्टा के लिए, पहली है एक्टिव वर्टिकल कोरिजन और लेटरल कोरिजन अपर कोर्स। दूसरी क्या है, यहाँ हमने लिखी है कोस्ट शुड बी टाइडलेस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस्ट इज इक्वल टू टाइडलेस, कोस्ट क्या होनी चाहिए, टाइडलेस होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी है सी एडजॉइनिंग डेल्टा शुड बी शैलो और एल्स लोड विल डिसअपीयर इन द डीप वाटर। सी एडजॉइनिंग डेल्टा इज शुड बी शैलो, ठीक है, डीप नहीं होना चाहिए। तीसरी है सर देयर शुड बी नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट्स, no large lakes in the river course. Chauthi there should be no strong current running at right angles to the river mouth washing away the sediments. No strong current at river angles, at right angles to river mouth. ठीक है, तो इसको कहते हैं सर निचोड़, जिसको कहते हैं कि जिस्ट बनाना। तो इस तरह से आपने जिस्ट बनाना है, मतलब जितना कंप्रेस करके लिखोगे, भाई ये भी नहीं कि भाई कंप्रेस कर दिया आपको ही नहीं समझ आ रहा, उसी हिसाब से कंप्रेस करो कि आपको समझ भी आ जाए कल को, ठीक है ना। ये था सर इसका जिस्ट। उसके बाद लास्ट स्लाइड हमारी रह चुकी है रिवर रिजुविनेशन। ओके, रिवर रिजुविनेशन में हम पढ़ेंगे इन कोर्स ऑफ रिवर डेवलपमेंट, जब रिवर की डेवलपमेंट होती है, सम पार्ट्स में भी अपलिफ्टेड, सम पार्ट्स में भी डिप्रेस्ड। कुछ पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है जहां पे रिवर डिपॉजिट कर देती है कुछ, और कुछ डिप्रेस हो जाता है जहां से रिवर कुछ निकाल लेती है। विच राइज सर्टेन फीचर्स एसोसिएटेड विद रिजुविनेशन दैट इज बीइंग यंग अगेन। तो जिस वजह से कुछ फीचर्स जाग जाते हैं रिवर्स के, जिस वजह से वो दोबारा से जवान हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव मूवमेंट अक्कर व्हेन देयर इज अपलिफ्ट ऑफ लैंड और फॉल इन सी लेवल। रिवर की नेगेटिव मूवमेंट तब मानी जाती है जब लैंड की अपलिफ्टमेंट होती है और सी लेवल गिर जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव मूवमेंट कब मानी जाती है रिवर की, डिप्रेशन ऑफ लैंड और राइज इन सी लेवल। ये चीज ध्यान रखेंगे, जब लैंड की अपलिफ्टमेंट होती है तो रिवर की नजर में वो नेगेटिव मूवमेंट है, और पॉजिटिव मूवमेंट कब है, जब लैंड डिप्रेस हो जाती है यानी लैंड कम हो जाती है और सी लेवल राइज हो जाता है,
आप कहोगे सर सी लेवल राइज हो गया तो इससे तो बाढ़ बाढ़ आ जाएगी, तो यही लिखा हुआ है, इट इज पॉजिटिव फॉर नेचर, नेचर के लिए वो चीज पॉजिटिव है, बट इट इज नेगेटिव फॉर ह्यूमन। ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। तो इसको बोलते हैं रिवर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मतलब दोबारा से रिजुविनेट होना, ठीक है ना। अब रिजुविनेट क्या कब होगी, जब राइज अप होगा, और राइज अप वाली सिचुएशन रिवर के लिए क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट, और लेकिन नेचर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। इट स्टीपन द स्लोप विच लेड टू फर्दर एक्टिव डाउन कटिंग इज रिन्यूड। ओके, एंड फॉल इन सी लेवल विच लेड टू फ्लड्स प्लेन एल्टीट्यूड इन इट इंक्रीज अबव द सी लेवल। देखो दोबारा से पढ़ते हैं, वो कहते हैं इन कोर्स ऑफ रिवर्स डेवलपमेंट सम पार्ट्स में बी अपलिफ्टेड और सम पार्ट्स में बी डिप्रेस, ठीक है। कुछ पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है, कुछ डिप्रेस हो जाता है, विच लेड टू द राइज सर्टेन फीचर्स एसोसिएटेड विद द रिजुविनेशन, दैट इज इट बीइंग यंग अगेन। नेगेटिव मूवमेंट अकर व्हेन देयर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड और फॉल इन सी लेवल। और वो कहता है कि सॉरी इट स्टीपन द स्लोप विच लेड टू फर्दर एक्टिव डाउन कटिंग इज रिन्यूड। ओके, और फॉल इन सी लेवल विच लेड टू फ्लड्स प्लेन एल्टीट्यूड। जब सी लेवल सपोज करो गिर जाता है, सपोज करो समुद्र है, समुद्र का पानी जब सपोज करो कम हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लड प्लेन का एल्टीट्यूड किससे बढ़ जाएगा, सी लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो साइड में प्लेन्स हैं उसका जो लेवल है, जो हाइट है, वो बढ़ जाएगी जब सी लेवल कम हो जाएगा। रिवर्स विद इट्स रिन्यूड विगर कट्स इन टू फॉर्मर फ्लड प्लेन लीविंग बिहाइंड टेरेसेज ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये तो हो गया सर आपका सी लेवल जो कि घट गया, और जो साइड में फ्लड प्लेन टेरेसेज है ये आपके बढ़ चुके हैं। पॉजिटिव मूवमेंट किसके लिए है, ये नेचर के लिए है, जब लैंड डिप्रेस हो जाएगी और राइज इन सी लेवल हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मूवमेंट कब होगी, नेचर के लिए, जब लैंड अपलिफ्ट हो जाएगी और सी लेवल गिर जाएगा। इट इज पॉजिटिव फॉर नेचर बट इट इज नेगेटिव फॉर द ह्यूमन। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, लैंडफॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर। इसमें कुछ नहीं है यार, आपने क्या करना है, एक पेज लेके ना बिल्कुल निचोड़ में अपर कोर्स, आगे 5-6 उसके पॉइंट्स, 5-6 मतलब जो लैंडफॉर्म्स बन रही है उसकी, उसके बाद मिडल कोर्स उसकी जो 4-5 लैंडफॉर्म्स बन रही है, उसके बाद लोअर कोर्स उसकी जो 4-5 लैंडफॉर्म बन रही है, एक एक एग्जाम्पल देना है, ड्रेनेज पैटर्न देने हैं, 3-4 ड्रेनेज पैटर्न लिख देने हैं, उसके एग्जाम्पल देने हैं, इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न है, गंगा का लिख दिया, यमुना का लिख दिया, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनके लिख दिया। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन बता दी डेल्टास की, जैसे कि मैंने आपको ये निचोड़ बताया, इस तरह से बना देना। ओके, तो इस तरह से मेरे को व्हाट्सएप करना है आपने। अच्छा, डेल्टास की शेप शेप लिख देनी है, कितनी कितनी तरह के डेल्टास होते हैं, ठीक है सर। पिक्स के लिए प्लीज स्लाइड्स लगा दो। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, कोई नहीं, 2 मिनट रुको। होमवर्क आपको यही तो बता रहा हूँ, एक तो ये करना है, ये होमवर्क तो चल रहा है बेटा, और क्या चल रहा है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, एक आपने वो करना है, क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न जितने भी हैं उसकी सारी रिवर्स के, इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके ड्रेनेज पैटर्न लिखने हैं, और ये सारे नोट्स बनाने हैं बिल्कुल निचोड़ करके, ठीक है ना। पूरा मतलब कि ना उसको सिर्फ एक पेज के अंदर आ जाए आपका, ये तो रखो ही रखो, एक पेज में निचोड़ आ जाए बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्लाइड कर रहा हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास एंड करने लगे सर, पूछ रहे हो कि बता रहे हो, करें क्लास खत्म करें, कल से शुरू करें चैप्टर नंबर 6। एक अच्छा, ये बच्चे ने यार मैप का पूछा था, मैप कैसे करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको ध्यान हो, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई एक कॉन्टिनेंट पकड़ लो, सबसे सपोज पहले ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो या अफ्रीका पकड़ लो, ठीक है ना। सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया पकड़ लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट है उसी में मार्क कर दिया, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का मैप ऐसे बना दिया, आसान सा, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है,
ये ग्रेट बैरियर रीफ हो गई, ठीक है, दो चार रिवर लिख ली, डार्लिंग रिवर, मुरे रिवर, ठीक है, तीन चार रिवर लिख ली, डेजर्ट लिख लिया, यहाँ पे डेजर्ट है मैक्सिमम। अच्छा कहाँ कहाँ पे समझौता इंडिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ कहाँ कहाँ पे किस किस चीज पे समझौता हुआ, पड़े इंडिया से या ऑस्ट्रेलिया से हम क्या बाई कर रहे हैं, मतलब 15 10 15 बुलेट पॉइंट्स लिख लिए कि ये डेजर्ट की क्या वो है विशेषता है, ठीक है, एक आधे रिवर का नाम लिख दिया, अभी पता होना चाहिए कि ये रिवर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बस इन उनके बारे में लिखना इन्फॉर्मेशन, वो इंडिया की रिवर्स के बारे में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से उठाओ। ठीक है देवी जी, ठीक है, आपने किया था मैसेज, लगी समझ, वाह आ जाओ, समझ लगती भी है, मेरे को तो लगता है समझ आती है, लगती कैसे समझ करी लगी समझ, चलो अच्छी बात है, समझ लगी, लोगों को थप्पड़ लगते हैं आपको समझ लग गई है, वाह जी वाह, छा गई देवी जी छा गई। तो समझ आ गया होगा, समझ लग गई होगी आपको, तो ये स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, वाह, फटाफट फटाफट जल्दी से, ठीक परसों क्रिसमस है सर, आप भी आ रहे हो, अच्छा कहाँ पे, उधर अंदर, चर्च जलंधर, जलंधर में, अरे देवी जी शुक्रिया शुक्रिया, अभी तो यार कुछ पक्का नहीं है मेरा, कल देखते हैं, कल देखते हैं, सर्दी बहुत है यार, और मैं हूं बड़ा आलसी किस्म का आदमी, देखो आते हैं चलो करते हैं कुछ प्रबंध, करते हैं करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो यार मेरे भाई, कल ये दोबारा चैप्टर नहीं चलेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सर हम हरियाणा तक आ जाते हैं, हमें भी ले चलना, अरे बिल्कुल देवी जी आ जाओ जब मर्जी चलेंगे पक्का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आप क्या जलंधर से इधर हरियाणा आओगे, तो उल्टा चक्कर पड़ जाएगा, फिर इधर आओगे फिर, अच्छा जयपुर से आना है, अच्छा वाह जी वाह, बच्चे बड़े दूर दूर से हैं हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट के, आ जाओ कोई नहीं जयपुर से आ जाओ, जस्ट कॉल मी, वी विल फिगर इट आउट, और भी आ जाओ तीन चार बच्चे, फिर इकट्ठे चलेंगे